हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे, जो कि हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप SSC CGL SSC CHSL और SSC MTS और रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सीरीज जो चल रही है, आप सभी कंटिन्यूसली ये वीडियोस देखें। इससे पहले मैं 9 वीडियोस कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नूरजहाँ का असली नाम क्या था? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हम यहाँ पर पहले एक पेन ले लेते हैं। तो नूरजहाँ का असली नाम क्या था, जहाँ आरा, गुलबदन बेगम, मेहरुन्निसा बेगम या फिर चांद बीबी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेहरुन्निसा बेगम। नूरजहाँ का असली नाम मेहरुन्निसा बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहे हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया है बदायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के सेवन पर किसने सेवन प्रतिबंध लगाया था, अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। और न्याय की जंजीर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक ने लगाई थी, ये जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये ऑप्शन में क्या दिया है, 2, 3, 4, 5। तो कितने भागों में विभक्त है आईने अकबरी, 5 भागों में विभक्त है आईने अकबरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है? 10, 12, 13, 14। तो 12 सूबों का वर्णन किया गया है किसमें, आईने अकबरी में अकबर के काल में 12 सूबों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, थोड़ा साइड में लेते हैं, 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में या 6 भागों में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? वेबरिज, जैरेट, ब्लैकमैन या ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक वेबरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, ये सभी थे अनुवादक, मतलब ट्रांसलेट किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, अलबरू ने की थी, अलबरूनी ने की थी या इब्ने बतूता ने की थी या अबुल फजल ने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन नहीं था कौन, नहीं था? ऑप्शन ए दिया है हमारा रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की थी, हेनरी चतुर्थ जो कि फ्रांस के थे, अब्बास महान जो कि फारस के थे, और जार निकोलस सेकेंड रूस जो कि रूस के थे। अकबर के समकालीन कौन कौन थे, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। रानी एलिजाबेथ भी थी, हेनरी चतुर्थ भी थे और अब्बास महान भी थे। तो ऑप्शन डी जार निकोलस नहीं थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जार निकोलस अकबर के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, बदायूनी के, अबुल फजल के, बाबर के या जहांगीर के? तो बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी गई है, खुद के उसके द्वारा, बाबर के द्वारा लिखी गई है, ये रहा बाबरनामा, बाबर के ग्रंथ के द्वारा।
कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या बख्तियार काकी की? आप ऑप्शन ए देख के एकदम लगा देंगे, कुतुब देखते कुतुब मीनार, तो आप एकदम कुतुबुद्दीन ऐबक लगा के आएंगे और ये यहीं पे आप गलती कर जाएंगे। तो इसका ये राइट आंसर नहीं है, इसका गलत आंसर है बख्तियार काकी की स्मृति में ये बनाया गया था, कुतुब मीनार बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था बाबर, अकबर, शेरशाह या हुमायूं, किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार संबंधी जबती प्रथा किसकी देन है? ये अकबर की देन है, या बीरबल की देन है, या टोडरमल की देन है, या फिर मानसिंह की देन है? भूमि सुधार संबंधी जबती प्रथा टोडरमल की देन है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टोडरमेल, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? बटई, नष्ट, कानकुत, दहशाला। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका? ऑप्शन फोर्थ, जिसको हम डी कहेंगे, दहशाला। दहशाला राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में आदम से लेकर, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किसमें मिलता है? बाबरनामा में मिलता है, या अकबरनामा में मिलता है, या जहांगीरनामा में मिलता है, या इन सभी में मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अकबरनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन क्या दिया है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, ये यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन है? अब्दुल कादिर, डब्ल्यू एच मोरलैंड, आर पी त्रिपाठी, आर एस शर्मा। तो ऑप्शन बी डब्ल्यू एच मोरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? डब्ल्यू एच मोरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था किसने? लगाया था अंग्रेजों के द्वारा, लगाया गया था हूणों के द्वारा, लगाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, लगाया गया था या अरबों के द्वारा लगाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू का पौधा भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली भारत से गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी? 6 करोड़ बढ़ी थी, 7 करोड़ बढ़ी थी, 5 करोड़ बढ़ी थी, या 10 करोड़ बढ़ी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़। सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में, मतलब कि 100 साल, इन 100 साल के अंतराल में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी थी? 6 करोड़ बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? यहाँ पर दिया गया अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर ने किया तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम, अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था किसने आरंभ किया था? इब्ने बतूता ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या रजिया सुल्तान ने? आप सबको पता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था?
तो भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगाना, अफगानिस्तान, यूनान या अरब? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरगाना। भारत आने से पहले बाबर फरगाना का शासक था, ये आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? थोड़ा और जूम कर लेते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, अकबर था, शेरशाह सूरी था या फिर बलवंत था? तो आप सब जानते हैं इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए क्यों होगा सही? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर एवं किस किस के बीच हुआ था? वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये युद्ध। इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था 1526 में। तो इसमें बाबर की जीत हुई थी, जिसके बाद मुगल शासक की नींव रखी गई। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए थे ये आप, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अब आपको इन दोनों का बताना है कमेंट बॉक्स में, किन किन के बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था और तीसरा युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये सबसे इजी क्वेश्चन, अगर आप ये भी गलत कर देंगे तो देख लीजिए आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दीने इलाही संबंधित है, दीने इलाही किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 है। बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? तो राइट आंसर है दीने इलाही अकबर से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि दीने इलाही किसने शुरू किया था, तो ये अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए है 1530 में हुआ था, या 1545 में हुआ था, 1556 में हुआ था, या 1566 में हुआ था। सबसे इजी है, बाबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। और इसी दिन इसी ईयर में एक युद्ध भी हुआ था। मैंने आपको क्लू दे दिया है, दो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खां, फैजी। आपने अगर एक मूवी है अकबर की, जो मूवी आई थी अभी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी मूवी आई थी, जिसमें ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें उसका संरक्षक था, जब वो उसको एक राज्य को जीत लेता है और उसके गर्दन कलम करने के लिए बोलता है अकबर को, तो वो नहीं करता। तो कौन नहीं, क्या कौन होता है उसका संरक्षक? वो एक क्रूर सा शासक, बूढ़ा सा होता है, जो बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो किसके काल में था? शाहजहां के काल में था। नहीं नहीं सॉरी, जहांगीर के काल में था, ये हमने गलत कर दिया। जहांगीर के काल में था मुगल कालीन चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष था, वो जहांगीर के काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पर, आमेर के किस, जस्ट अ मिनट, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कराया था? देखिए, अगर आपने वो मूवी देखी होगी अकबर की, जो मूवी आई थी, आप इसका आंसर एकदम दे देंगे। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कराया था? तो वहाँ पर आपने देखा होगा, राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह, जोधा, अपनी पुत्री जोधा का विवाह अकबर के साथ कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है क्वेश्चन,
तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है कि किसको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526 में की थी। कब कब की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था। यहाँ पर दिया है बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये युद्ध, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, कब रखी? मैंने अभी बताया 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ये आप सबको पता है, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन हुआ है, बाबरनामा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा का नाम है। और ये किसने लिखी थी बाबरनामा? बाबर ने खुद स्वयं लिखी थी ये आत्मकथा अपनी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? मैं बार बार इसके बारे में बता चुका हूँ, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। फर्स्ट युद्ध 1526 में, सेकेंड युद्ध 1556 में, थर्ड युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंतिम मुगल शासक कौन था भारत का? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? आप सबको पता है ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर में स्थित है। ठीक, अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ये आपको पता होगा। तो ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम क्या था? ये बीरबल नहीं है, ये बीरबल है। क्या नाम था बीरबल का असली नाम? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा सिंह या महेश दास? तो महेश ठाकुर नहीं लगाना है आपको, महेश दास लगाना है। ओके, तो बीरबल का असली नाम क्या था? इजी क्वेश्चन है बहुत, आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो मुसलमानों से कौन सा कर वसूला जाता था? जजिया, जकात, खम्स या तीर्थयात्रा? जकात, ये टैक्स दिया जाता था मुसलमानों से, आज भी मुसलमानों को ये टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देवराय ने की, हरिहर एवं बुक्का ने की, या कृष्ण देव ने की, या फिर सदाशिव राय ने की? तो किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त साम्राज्य, ब्रह्मी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निज़ामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से, सुहरावादी से, या कादिरी से, या इनमें से कोई नहीं? निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या अजमेर में? तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर स्थित है। और अजमेर कहाँ पर है?
आप सबको पता है राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी या लाहौर? तो उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। आप जल्दबाजी में अमृतसर लगा के आ जाएंगे, अमृतसर में नहीं हुआ था। राइट गलत, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तलवंडी में। ये गलत आंसर हो जाएगा, अमृतसर। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मज़ार, दरगाह, खानका या वसदी? सूफी संतों की जो गतिविधियाँ होती है उसके केंद्र को खानकाह कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मईनुद्दीन, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली? क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर? ख्वाजा मईनुद्दीन, जिसको बोलते हैं साम, इसके जो सरनेम लग जाएगा यहाँ पर चिश्ती। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती सिलसिले किसके? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। खान का क्या है? तो खान का क्या होती है? सूफी संतों का घर होता है, यह मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय होता है, वैष्णों का केंद्र होता है, शिल्पकारों का कार्यस्थल होता है। तो ये क्या होता है? सूफी संतों का घर होता है खान का। ओके, चलिए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली, अजमेर, पंजाब या बंगाल? तो ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, ये आपको पता है, हमने पढ़ लिया है, अजमेर के अंदर है। और एक दरगाह कहाँ पर है? ये निज़ामुद्दीन औलिया की, हज़रत निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके पास, आपने सुना होगा, ये नई दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका बता देंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी नारे दिए गए हैं वो सभी नारे के मैं अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। एक नारा ज़रूर पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। अगर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या CISF, ITBP या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर एक नारा ज़रूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1921 में हुआ था या 1922 में होता है, 1929 में हुआ था? आप सबको पता है 1921 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था, जिसमें निहत्ते लोगों पर, भारत के जो निहत्ते लोगों पर, सबके ऊपर गोलियां चला दी गई थी और वो मारे गए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए तो वो ऐसे मारे गए दम घुटने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन में क्या दिया गया है यहाँ पर? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली। तो आप सीधे ही देख एकदम आंसर में, हालांकि ऑप्शन पहले ही दिया हुआ है, आप एकदम लगा देंगे एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ओके, आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो भी जिनके भी डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं स्टेट PCS वगैरह की, तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इस क्वेश्चन के बारे में विचार करें, क्या लिखा है, वर्णन कीजिए कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ है, बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए, ये इसके बारे में आप पढ़िए और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए। या एक क्वेश्चन और दिया गया, वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया, सांची के स्तूप संरक्षित रहे परंतु अमरावती के स्तूप संरक्षित नहीं रहे, ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। और NCERT का UPSC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, मेंस में, राइटिंग मेंस के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत में मुगल शासकों द्वारा अभिजात वर्ग में विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के लोगों की भर्ती क्यों की जाती थी, व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपको अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप पढ़ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और इसके बारे में एक कम से कम 300 से 400 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखें। ओके,
सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूँ जिसमें 9 वीडियोस हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।